हिमाचल प्रदेश में मई अंत से शुरू होने वाले प्लम सीजन को देखते हुए प्लम बागवानों की रामपुर के नगोली में एडीएम प्रोटोकॉल शिमला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्लम की खाली पेटियों, प्लम तुड़वान के लिए मजदूरों व प्लम मंडी पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस दौरान बागवानों ने अन्य फलों की तरह समर्थन मूल्य की मांग की। प्लम बागवानों का कहना है कि प्लम जल्द पक कर खराब होने का खतरा रहता है। उन्होंने प्लम पैकिंग के लिए लकड़ी की खाली पेटियों की जरूरत बताई, जो कि बाहरी राज्य से आती है। इस तरह प्लम तुड़वान के लिए साथ लगते जिलों से मजदूरों को लाने, मंडी तक फसल को पहुंचाने की व्यवस्था भी करने का मामला उठाया। नेतृत्व सरकार रखी प्लम ग्रोवर्स ने कि जो प्लम की जो पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस वजह से, प्लम की फसल बिल्कुल तैयार है और इसे मंडी में पहुंचाने के लिए सरकार इसे जिम्मेदारी लें और सरकार को तक इसका वाद उठाएं, क्योंकि सारे फल का जो अभी तक समर्थन मूल्य तय किया गया है और जबकि प्लम का अभी तक समर्थन मूल्य नहीं है। और सभी ग्रोवरों का, सभी किसान बागवानों का यही सरकार से उम्मीद है कि अगर फसल नहीं पहुंची इसका समर्थन मूल्य तय करें और सरकार हम इनका धन्यवाद करेंगे। नमस्कार, मैं आज हमारे प्लम बागवानों की मीटिंग नोगली फॉरेस्ट हाउस में हुई, जिसमें हमारे एडीएम साहब शिमला आए थे। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जब हमारे सेब की, नाशपाती की, सभी का जो समर्थन मूल्य हो सकता है तो हमारे प्लम का समर्थन मूल्य क्यों नहीं है। तो ये बहुत ही सरकार को समझने की जरूरत है और ये किसान बागवानों का चिंता का विषय है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें कम से कम समर्थन मूल्य दिया जाए। जय हिंद। आज नोगली में एडीएम प्रोटोकॉल की अध्यक्षता में जो प्लम ग्रोवर्स हैं रामपुर सब डिवीजन के, उनके साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो प्लम ग्रोवर्स की जो भी आशंकाएं थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है और उनको सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जैसी भी परिस्थिति उपस्थित होगी सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी समस्या का हल जो है वो किया जाएगा। हाँ, प्लम संबंधित एडीएम शिमला के साथ मीटिंग हुई, जिसमें एसडीएम रामपुर, तहसीलदार रामपुर, डीएसपी रामपुर, मीडिया के लोग व कोई 25-30 बागवान शामिल थे। इसमें तीन मुद्दों पर बात हुई। नंबर वन पेटियों के बारे में, नंबर दो मजदूरों के बारे में, नंबर तीन ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, और चौथा जो आखिरी मुद्दा था वो था समर्थन मूल्य के बारे में। पेटियों के बारे में डिसीजन लिया गया कि पेटियाँ जो है वो पठानकोट और बटाला से पास देकर मंगवाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, लेबर के लिए भी परमिट किया गया कि करसोग, कुल्लू, जहाँ भी जो कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेबर जो है पास देकर मंगवाई जा सकती है, और यहाँ स्थानीय भी अगर कोई बंदोबस्त होगा तो वो भी इसमें शामिल होगा। तीसरा मुद्दा था मार्केटिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का, उसके लिए भी कहा गया कि गाड़ियों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा और माल को जहाँ भी दिल्ली मंडी तक जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। आखिरी जो मुद्दा रहा है वो रहा है समर्थन मूल्य का। भगवान ना करे कि कोरोना की वजह से कुछ ऐसी स्थिति आए कि सारी मंडियाँ ही पूरे हिंदुस्तान की जाम हो जाए तो कहाँ जाएगा प्लम। तो उस हालत में हमने रिक्वेस्ट की है कि भी हमें समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और एपीएमसी इसको खरीदे। इस पर एडीएम साहब ने कहा कि ये मेरे लेवल का है, क्वेश्चन नहीं है, इनमें इसका कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूँ, हाँ इसे मैं सरकार तक पहुँचा दूंगा। एडीएम प्रोटोकॉल शिमला संदीप नेगी ने बताया कि बागवानों की समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बागवानों की समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निदान किया जा रहा है ताकि बागवानों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। आपको बताओ, हम करेंगे, गाड़ियों का कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि तैयारी के लिए भी हमारी गाड़ियाँ आ गई, जो पनट लेके आ गई है, चाहे वो क्या नाम घास के डंडे उनके लिए कवर करने के लिए किए थे, चाहे पेस्टिसाइड के लिए, चाहे कुछ परमिशन, जैसे ही आप अप्लाई करोगे उनको व्हाट्सएप कर दो, हमें बता दो, साथ के साथ परमिशन होती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती।